जहाँ तक तुमने इंजॉय किया तुम ऑलरेडी इनटू थे उस केस में। क्या हो रहा कांचा? बस कर कांचा, क्या कर रही है? लगने तो इसकी वाली है। मैं शॉकर में थी यार आज, बिकॉज मुझे उस बंदी ने जेल के बाहर बोला था कि लिसन डू यू लाइक पीपल टचिंग यू। आई थिंक जिया इज बीइंग द भवरी, द फीमेल वर्जन ऑफ जैड नाउ। हेलो, हाय, यू आर वाचिंग डेली रिपोर्टर, इट्स मी अर्से आदि एंड आई हैव पलक। पर्से पलक, व्हाट्स अप? I am good. How are you? Good man, good. I'm very happy, excited. Weekend के बाहर के लिए outfit रखा था, तो सोचा बाहर आके पहन लूँ, है ना? Use तो करना पड़ेगा ना outfit. तो आज nominate हुई थी for the most fashionable star award, so I'm very happy. वैसे वीकेंड का वार कल ही है, शनिवार के दिन। हाँ यार, बट मेरे को लगा थोड़ा सा आज कलरफुल पहन के जाओ, दो दिन से थोड़ी सैड थी, तो अभी आज बेटर फील कर रही हूँ। स्टार एमिनेंस ने थोड़ा बेटर फील करा दिया अवार्ड देके। लुक एट द सैड फेस, हु इज वायरल ऑन द पेजेस गाइस, है ना? सैड हो या जो भी हो, वायरल होना जरूरी है बस। बेबी का और मनीषा के बीच लड़ाई चालू है। आई नो यू मस्ट हैव चेक्ड इट, योर रिएक्शन टू इट। आई सॉ एंड हु इज रॉन्ग, असली चेहरे बाहर आ रहे हैं। डेफिनेटली मनीष is right here, because कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी बेबिका को, यार वो हमेशा से इंसिक्योर थी, डे वन से इंसिक्योर थी, उसको अपनी दोस्ती किसी के साथ शेयर करना वैसे भी नहीं पसंद है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी असली चेहरे और आएंगे बाहर। रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, अनमास्क हो रहे हैं लोग। जैद और आकांक्षा की हॉट फ्रेंच किस पर पलक पुरस्वानी का रिएक्शन, ओ गॉड, मैं शॉकर में थी यार आज, बिकॉज मुझे उस बंदी ने जेल के बाहर बोला था कि लिसन डू यू लाइक पीपल टचिंग यू। अरे आई वाज थिंकिंग व्हेन दे किस्ड ना, आई वाज ऑन डेस्क एंड आई वाज वाचिंग इट लाइव एंड आई एम लाइक पलक वाज सेइंग आई डोंट लाइक जैद दैट मच, ही इज अ भवरा एंड शी इज लुकिंग एट द फ्रेंड दैट kissing like hell. अरे बट उसने मुझे बोला था that I don't like people touching me. Are you comfortable? I said no. She said I'm myself not comfortable. और आज मैंने episode में देखा, शरी क्या हो रहा कांचा? बस कर कांचा, क्या कर रही है? But मुझे ऐसा लगता है कि उसने उस चीज को task को ना बहुत seriously लिया है। तो हम उस चीज को अच्छी तरीके से भी देख सकते हैं। Don't cover up now. You have said it. मेरी दोस्त है यार वो। ठीक है, but नहीं, बात तो सही है। Honestly, OTT है तो थोड़ा OTT हो गया मेरे हिसाब से। लोग ये भी बोल रहे हैं कि इट्स अ फैमिली शो। सलमान खान का भी एक स्टेटमेंट वायरल है व्हेन ही वाज सेइंग कि मैं कुछ भी पार नहीं होने दूंगा। एंड पुनीत सुपरस्टार को इसलिए निकाला गया था कि परिवार का शो है। हाउ कम किस इज आर हैपनिंग इन दिस शो? यार मैं तो वेट कर रही हूँ अभी वीकेंड के वार का कि सलमान सर के क्या वार होने वाला है, बिकॉज लगने तो इसकी वाली है, मुझे ऐसा लगता है। बट यार TRP तो शूट अप हो गई ना, मतलब वायरल तो हो रहा है हर जगह, इट्स एवरीवेयर देयर। आज मैंने इनफैक्ट ट्वीट भी किया ये चीज कि यू नो क्या हो रहा है ये, मतलब बिकॉज ये बंदी ने मुझे सेकंड डे ही बोला था कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद टचेस, तो ये कहाँ से ऐसे पलट गई सडनली। मेरे को लग रहा है अभी आकांक्षा का भी आ रहा है बाहर धीरे धीरे, यू नो कुछ नया देखने को मिल रहा है। अभी जैद जो है मारा मारा घर में घूम रहा है, टूटा हुआ साज है वो। उसने बोला है कि लड़के ने बोल दिया कि भाई साहब इट वाज जस्ट इन द टास्क, राइट? एंड जैद जो है उखड़ा है। अभी जैद ने तो ऐसे क्यों बोला, शी इज अ बैड किसर, तो टास्क है तो टास्क की तरह ना, फिर पर्सनल क्यों हो गए तुम? मुझे तो नहीं अच्छा लगा वो, फिर मतलब तुमने एंजॉय किया, तुम ऑलरेडी इनटू थे उस केस में, इसलिए तुमने बोला ना शी इज अ बैड किसर, दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट टू पास। जैद इज being touchy today with Jia, yeah. मैंने नहीं देखा वो, मैंने miss कर दिया वो। एक गले पे बाइट दी है और जिया ने जैद के हाथ को ऐसे ही बाइट किया है। Your reaction to it? नहीं, your sister's favorite, no, is she your friend's favorite? He is. Tell me now. Both of them are best friends, na? तो go and ask the best friend. Why are you asking me then questions? But I don't know about that. But I think it's a two-way street. दोनों का जो चल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है Jad is Jia is being the male Jad, I think now. She's bhavri. No, you tell me. Who is Jia? यार क्या क्या बोलो? Please tell who is Jia. I think Jia is being the bhavri, the female version of Jad now. Okay. Quick message to your people. Message for people. Guys, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा थोड़ा अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है जो कि मुझे वापस घर जाकर कंप्लीट करना है, तो प्लीज प्लीज अपना थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाइए, सो दैट मैं वापस घर के अंदर जाऊं और कुछ लोगों को सबक सिखा के आऊं। या दैट वाज इट, है ना? नो किसेस हैपनिंग ऑन, नॉट फ्रॉम मी फॉर श्योर। थैंक्स गाइस।